सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम फरवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टिव टॉप 25 क्वेश्चन कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ। ये सभी क्लास आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्लास से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ ट्रिक से कैसे याद कराता हूँ। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय है जी आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? सूचकांक का क्वेश्चन बच्चों प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन कवर करना जरूरी है डिटेल के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का राइट आंसर बता देता हूं मैं पहले आपको। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 42वां आपका स्थान है। अब जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सूचकांक है सभी को कवर करेंगे। चार क्वेश्चन बनते हैं आपके सूचकांक से। नंबर एक, आपको पता ही होना चाहिए कि जो ये सूचकांक है ये जारीकर्ता संस्था या संगठन का नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल देश कितने हैं शामिल। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर एक पर या शीर्ष पर कौन आए। नंबर चार क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का स्थान कौन सा है। क्वेश्चन नंबर दो के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्वेश्चन क्या था हमारा, बौद्धिक संपदा सूचकांक। अब बात करते हैं बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है, ये रहा आपका बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है बच्चों, 42वां स्थान है ये आपका 42वां। यदि हम बात करूं 2022 के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान था, 2022 के अकॉर्डिंग 43वां स्थान था। बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी कौन करता है बच्चों, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जारी करता है आपका। कुल देश कितने हैं इसमें, 55। अमेरिका नंबर एक पर है आपका बौद्धिक संपदा में, अमेरिका नंबर एक पर है, 42वें स्थान पर है आपका भारत। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वैश्विक शांति सूचकांक को याद कैसे करोगे, नंबर एक पर है बच्चों आइसलैंड। शांति आइस से ही तो मिलती है, गर्मियों में जो शांति मिलती है बच्चों बर्फ से ही तो मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो आपका वैश्विक शांति सूचकांक है नंबर एक पर कौन सा देश है, आइसलैंड है। जारी कौन करता है बच्चों सूचकांक को, शांति सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करती है। कुल देश कितने, 163, और भारत में शांति कितने रुपये में मिली बच्चों, 126 रुपये में, ऐसे याद कर लेना। रुपए लगा लो, 126 व्यक्तियों को लगा लो, कुछ भी एक्स वाई जेड अपने माइंड में सेट करो, लेकिन माइंड में सेट करना पड़ेगा तभी आपके सभी क्वेश्चन याद रह पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जैसे हेनले पासपोर्ट है, याद कैसे करोगे, हेनले एंड पार्टनर्स इसे जारी करता है। कुल 193 देश है बच्चों। सिंगापुर का पासपोर्ट नंबर वन पे है फिलहाल, शीर्ष देश पर कौन है, सिंगापुर। याद कैसे करोगे कि पासपोर्ट बनवाना है जी, क्या बनवाना है, पासपोर्ट। क्यों बनवाना है, सिंगापुर जाना है, इसका मतलब सिंगापुर नंबर एक पर हुआ, याद रहा। और भारत का कौन सा स्थान है बच्चों 2023 में आपका, 80वां स्थान है। 2022 में कौन सा था, 85वां था। अब ऐसे याद कर लेना कि 2023 में ना 80% व्यक्तियों के पास पासपोर्ट नहीं है। या ऐसे याद कर लेना कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना वो सिंगापुर में तो नंबर वन पे है जी। 80 साल का व्यक्ति पासपोर्ट बनवा रहा था, उसे कहां पर घूमने के लिए जाना था बच्चों, सिंगापुर घूमने के लिए जाना था। ऐसे ही कहानी बना के अपने माइंड में सेट करो, कंप्लीट आपका टॉपिक याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 127। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, कुल 146 देश होते हैं बच्चों, इसमें भी आपका आइसलैंड ही नंबर वन पर है। ठीक है, याद कैसे करोगे इसको, ग्लोबल जेंडर गैप, भाई जब वो शांति रखते हैं तो क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप भी तो वहां पर अच्छा होगा, इसलिए आइसलैंड याद रखना है आपको। इसके बाद बात करते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 जारी कौन करता है, प्रबंधक विकास संस्थान IMD करता है। देश कितने शामिल है इसमें, 64 देश शामिल है। नंबर एक पर आपका डेनमार्क, भाई मार्क तो करने ही पड़ेंगे, क्वेश्चन मार्क तो करने ही पड़ेंगे प्रतिस्पर्धा में 6 नंबर लेकर आने, लेकिन फिर भी भारत के कितने नंबर आए, 40 आए, कितने में से आपके, 64 में से, ऐसे याद करना। देखो दोबारा बता देता हूं मैं आपको, आपका क्या था, प्रतिस्पर्धा सूचकांक, भाई प्रतिस्पर्धा में नंबर अच्छे लाने के लिए मार्क तो करना पड़ेगा, मार्क का मतलब है आपका डेनमार्क तो आपका नंबर वन पर है, भारत के नंबर कितने मिले, 64 में से 40 मिले, इसका मतलब भारत कौन से नंबर पर बच्चों, 40वें नंबर पर अपना देश भारत है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023
कौन जारी करते हैं बच्चों इसलिए इसे चांडल इंस्टीट्यूट जारी करते हैं। नंबर एक नंबर कुल देश कितने हैं 104 देश है। सिंगापुर नंबर एक पर है। अपना देश भारत का नंबर कौन सा है बच्चों 57वां है गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के हिसाब से। ठीक है जी, इसके बाद एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन है जी एग्जामिनर का। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी कौन करते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस द्वारा जारी किया जाता है। कुल देश कितने 180। नॉर्वे इसमें नंबर एक पर है बच्चों और 161 नंबर पर क्या है अपना देश भारत। याद कैसे करोगे अब, याद आपको ऐसे करने प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। भाई प्रेस मैं ना प्रेस किए बिना शर्ट पहनता नहीं, नावे ना नार्वे को कैसे याद करोगे, नावे ना हम नहीं पहनते प्रेस के बिना प्रेस वाली शर्ट। इसका मतलब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में आपके याद हो चुका है नार्वे तो नंबर एक पर है और 161 नंबर पर क्या है बच्चों भारत है। अब बात करते हैं वैश्विक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा ये जारी किया जाता है। कुल देश कितने 180। सिंगापुर इसमें नंबर वन पर है। भारत का स्थान कौन सा 131 पर। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार रिपीट होता है विश्व खुशहाली सूचकांक खुशहाली रिपोर्ट 2023 सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। कुल 136 देश इसमें सम्मिलित है। फिनलैंड नंबर एक पर है। अब देखो याद कैसे करोगे, खुशी की बात हो रही है खुशहाली रिपोर्ट, खुशहाली जब खुश होंगे आप तो क्या करोगे फन, फन से आपका क्या बना बच्चों फिनलैंड आपका फन से बना आपका। 126वां स्थान है अपने देश भारत का। अब बात करते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में नंबर एक पर कौन है आपका अफगानिस्तान, भारत का स्थान कौन सा है 13वां। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ग्लोबल लेवर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 भारत का स्थान 165वां है। कुल 136 देश है बच्चों। लगातार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एवं अंतिम क्वेश्चन है इस टॉपिक का बच्चों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 कुल देश कितने हैं बच्चों, इसमें आपके 63 देश हैं। डेनमार्क नंबर एक पर है बच्चों जलवायु वाले में भी और अपने देश भारत का नंबर कौन सा है 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, चीता पुनर्वास योजना के अंतर्गत किस देश में 12 चीते लाए गए किस देश से। बच्चों जब चीते की बात आई है ये पूरा टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि क्या मैटर था, कौन से पार्क में लाए गए थे, पहली बार कहां से लेकर आए गए थे, कुल कितने लेकर आने का प्रोजेक्ट है हमारा, ये प्रोजेक्ट प्रारंभ कब से हुआ था, सभी मैं आपको डिटेल के साथ कवर कराऊंगा। पहले मैं आंसर बता देता हूं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। अब बात करते हैं चीतों से संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे, ये बच्चों मेरे हैंड राइटिंग के नोट्स हैं इनसे कवर कराता हूँ मैं। ये आपके जब पहली बार लेकर आए गए थे तब बनाए थे नोट्स, देखिएगा कुनू राष्ट्रीय उद्यान जो ये आपके चीते हैं ना वर्तमान में कहाँ पर रखे गए हैं बच्चों, कुनू राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए हैं। किस राज्य में है बच्चों, ये आपका मध्य प्रदेश में है। श्योपुरा और मुनेरा आपका जो जिला है बच्चों उसमें ये पड़ता है। कुनू राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, ये आपकी हुई थी 1981 में हुई थी। पहले इसे क्या था बच्चों, ये पहले केवल ये एक आपका वन्य अभ्यारण था, 2018 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल है 748.76 किलोमीटर स्क्वायर है। स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी इसकी 1981 में हुई थी। अब बात करते हैं पहली बार कब लाए गए थे, कहां से लाए गए थे, ये तो दूसरी बार का क्वेश्चन है आपका 12। पहली बार जो आपके सर्वप्रथम लाए गए थे चीतों के पुनर्वास के लिए ना बच्चों 17 सितंबर 2022 को कहां से, नामीबिया से, नामीबिया अफ्रीका से 3 मादा नर चीते लाए गए थे। पांच मादा थी 3 नर थे, टोटल 8 लेकर आए गए थे जिसमें आपकी 5 तो क्या थी बच्चों आपकी मादा फीमेल और आपके 3 क्या थे मेल। इतनी बात सबकी माइंड में सेट हुई। लाए कब गए थे पहली बार, ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 72वें जन्मदिन पर लाए गए थे। यदि क्वेश्चन ये आ जाता है आपके सामने अफ्रीका चीते का वैज्ञानिक नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिमम स्टूडेंट का एक गलत होगा क्योंकि याद नहीं होने का इसलिए एक बार पढ़ना जरूरी है इसका। अफ्रीका चीते का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है आपका एसिनोनिक्स जुबिटस। भारतीय चीते का नाम तो आपको सभी को पता है। दूसरे चरण में 12 चीते लाए गए थे, ये दूसरा जो चरण है ना, ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था यही दूसरे चरण वाला क्वेश्चन था 12। पहले चरण की डिटेल हम कवर चुके, 12 चीते टोटल लाए गए कहां से बच्चों मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई 12 एक बार आ चुके हैं, 8 एक बार आ चुके, लाने का मतलब टोटल कितने आएंगे, टोटल 50 है, कितने बच्चों 50 आएंगे कुल।
दूसरा चरण अभी ये स्टार्ट हुआ है आपका, हो चुका है कंप्लीट, ये तीसरा चरण अभी आएगा बच्चों, ठीक है। इसके इससे अलग जो आपको क्वेश्चन कवर करने हैं इस टॉपिक से, 70 साल बाद 1852 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था चीतों को भारत से, 1947 में ना छत्तीसगढ़ में अंतिम चीता देखा गया था, जिसकी हत्या, जिसकी मृत्यु, जिसका शिकार किसने किया था बच्चों, रामा अनुज प्रताप ने उसे मार दिया था, इतना आपको पता होना जरूरी है। अब दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट और कवर करनी पड़ जरूरी है आपके, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1972, वन्य जीव है ना, बेहतर रह सकते हैं वन में, ऐसा याद करना है आपको। इसके बाद आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ बच्चों, आपका 1986 में हुआ था, ये दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार लिथियम भंडार खोजा है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ये किसने खोजा है जी, आपका ये जम्मू कश्मीर ने खोजा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4th, नीति आयोग के नई सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा आपका परमेश्वरम अय्यर। अब नीति आयोग से भी लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको पूरी डिटेल के साथ कवर करते हैं। नियुक्ति, नियुक्त व्यक्ति कौन थे पहले बच्चों, पहले बी आर सुब्रमण्यम, बी आर सुब्रमण्यम के स्थान पर आए हैं कौन से आपके, परमेश्वरम अय्यर आए थे। पदभार ग्रहण किया था इन्होंने 25 फरवरी 2023 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा नीति आयोग का गठन कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को किसके स्थान पर बच्चों, योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग का पूरा नाम भी एग्जाम में लगातार रिपीट होता है ये आपका नाम, ये भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, ठीक है जी। यह संस्था भारत सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है बच्चों, भारत के प्रधानमंत्री, हमेशा नीति आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो क्या होगा बच्चों, भारत का प्रधानमंत्री ही होगा। एक लगातार इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है उनका नाम बताइए, उनका नाम क्या है बच्चों, सुमन बेरी नाम है उनका, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत, नए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कहा गया है, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12 नहीं क्वेश्चन नंबर 8, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिजी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9, दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कटक, ऑप्शन नंबर ए कटक। कटक में कौन सा अनुसंधान केंद्र है बच्चों, कट कट की आवाज कैसे आती है जब कच्चे चावल खाते हैं, चावल अनुसंधान केंद्र भी आपका कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, कटक में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, 76वें बाफ्टा पुरुष अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया है, आपको 3 क्वेश्चन कवर करने हैं इस क्वेश्चन से अकेले से, एक तो आपको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री और फिल्म, ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं से आपका एक क्वेश्चन मिलने वाला है एग्जाम में। अब बात करते हैं हम किसकी, 76वें बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का जो अवार्ड दिया गया है ये किसे दिया गया है, ये आपका दिया गया ऑस्टिन बटलर को, ऑस्टिन बटलर। आयोजन स्थान कहाँ हुआ था बच्चों, ये आपका लंदन यूके के रॉयल फेस्टिवल आपका ग्राउंड है वहां पर हुआ था, मतलब हॉल है। पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है आपकी, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है आपका, एडवर्ड बर्जन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है बच्चों, आपके एडवर्ड बर्जन। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी पता होना चाहिए आपको, जो कि हमारा यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपकी केट ब्लेंचेंट, ब्लेंचेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11, किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को वर्ष 2023 का मार्कोनी पुरस्कार दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका 11, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है आपका ये क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका हरी कृष्णन, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, दस्तलीक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13,
भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त का संबंध किस देश भर में राहत बचाव कार्य हेतु था? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, तुर्की एवं सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14, रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, विजेता कौन ने? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन है बच्चों, यह आपका कौन है, सौराष्ट्र ने जीता है टूर्नामेंट किसे हराकर। अब जो भी आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है, रणजी ट्रॉफी का भी कंप्लीट टॉपिक कवर कीजिए डिटेल के साथ। नंबर एक आपको पता होना चाहिए, जो भारत का जो सॉरी फाइनल मैच का आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ, यह आपको पता, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर बच्चों, कोलकाता में। विजेता कौन है, सौराष्ट्र आपका विजेता है, उपविजेता कौन है, बंगाल। रणजी ट्रॉफी का यह कौनवी श्रृंखला थी बच्चों, 88वीं नंबर की, ये डिजिट आपकी एग्जाम में पूछी जाएगी, माइंड में सेट कर लीजिएगा अभी। रणजी ट्रॉफी में बीसीसीआई के संबंध में कितनी टीमों ने भाग लिया बच्चों, 38, कितनी टीमों ने, 38। सौराष्ट्र ने यह श्रृंखला दूसरी बार जीती है, इससे पूर्व 2019-20 में ट्रॉफी को जीता था। क्वेश्चन नंबर 15, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भारत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, आईसीसी T20 महिला विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। डिटेल से कवर करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। आयोजन स्थल हुए कहाँ थे आपके, दक्षिण अफ्रीका में। आयोजन स्थल बच्चों, आयोजन जो आपकी अवधि थी 16 से 26 फरवरी 2023, आयोजककर्ता कौन थी, आईसीसी, ये तो करानी। प्रतियोगी टीम की संख्या कितनी है, 10। संस्करण 8वां, प्रथम संस्करण 2009 में, द्वितीय आपका विजेता ऑस्ट्रेलिया, 6वीं बार उपविजेता आपके दक्षिण अफ्रीका। इतना आपको पता होना जरूरी है। अब जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर करने हैं उनको भी जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैन ऑफ द सीरीज एशली गार्डनर ऑस्ट्रेलिया। श्रृंखला में सर्वाधिक रन, लारा वोलवार्ट दक्षिण अफ्रीका 230 रन। श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट, सोफिया एक्लेस्टोन इंग्लैंड 11 विकेट। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आईसीसी T20 2024 में कहां पर खेला जाएगा विश्व कप, बांग्लादेश में, महिला की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार केंद्र सरकार का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका, चलो बजट की बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बजट पेश किसने किया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। कब, 1 जनवरी 2023 को। कौन से नंबर का था, 5वें नंबर का। 23 से 24 हो रखा हो तो तुम्हारा, ठीक है। कुल 45.3 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है बच्चों, पिछले बजट की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, 7.5% अधिक है पिछले बजट की तुलना में। यह अमृतकाल का पहला बजट है। अमृतकाल के विजन में ना बच्चों, ये 5 शक्तियां है, इन्हें क्या बोल लगाया, क्या बोल लगाया इन्हें, अमृतकाल के लिए विजन सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिक के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, मजबूत और स्थिर आर्थिक वातावरण। अब जो ये 7 प्राथमिकता है, इनका नाम भी पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में डायरेक्ट, नाम को क्या कहते हैं, इन 7 की 7 प्राथमिकताओं को क्या कहा गया, सप्तऋषि। कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं, समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र। नेक्स्ट युवा शक्ति, क्षमता का विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच। क्वेश्चन नंबर आपका 20, 2023-24 में घोषित 7 प्राथमिकताओं में से क्या नहीं है, सप्तऋषि में क्या नहीं है, मैं आपको अच्छी तरीके से कवर कराया गया है। यह आपका बजट 2023-24 में घोषित 7 प्राथमिकताओं को क्या नाम दिया गया, ये सप्तऋषि नाम दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में कवर करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 में घोषित श्री अन्न योजना का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, किससे है बच्चों, मोटे अनाज उत्पादन से है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22, किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रेमी अवार्ड 2023 जीता। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिंकी केज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 नहीं 23, 5वें खेलो इंडिया तथा यूथ गेम की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है।
क्वेश्चन नंबर आपका 23 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ, किसके बीच हुआ बच्चों, किस कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25 एवं अंतिम क्वेश्चन, एशियन फुटबॉल कप टूर्नामेंट 2027 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, क्वेश्चन नंबर आपका 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब द्वारा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चों हमारी प्रीवियस ये आपकी तहलका नाम से करंट अफेयर की आपकी सीरीज स्टार्ट की थी ना, ये आपकी करंट अफेयर स्टेटिक जी के ओल्ड जी के सभी आपकी कवर करेगी, बस आपको ये कंप्लीट क्लास देखनी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।